आज हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए एक मैंने बड़ा सा प्याज लिया था। ये एक ही प्याज है जिसको थोड़ा बारीक बारीक काट के हमने और फ्राई करने के लिए रख दिया था। ठीक है, अब ये इतना फ्राई हो गया है, हमें इसको ब्राउन नहीं करना, तो हमने इसमें डाल देना है ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा कड़कड़ाना है इसके अंदर, और ये ज़ीरा अच्छा सा कड़कड़ा हो गया है ये, क्योंकि ये घी बहुत गर्म है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना ज़ीरे को। बाकी हमने यहाँ पर चार टमाटर काटे हैं, और चार टमाटर काट के हमने इसमें डाल दिए हैं। तो टमाटर जो है आपने लंबाई में काटना है, गोल नहीं काटना, ये चटनी की शर्त है, ये कुछ भी है, बट हमने टमाटर को अपने इसी तरह से लंबाई में काटना है। हमने टमाटर को अपने गोल वगैरह नहीं काटना, ठीक है, मर्जी है अगर गोल काटना, मगर टमाटर जो है, चटनी जो है वो इस तरह से लंबे टमाटरों के अंदर अच्छी कटेगी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, ठीक है, पानी बिल्कुल नहीं डलेगा इसके अंदर। थोड़ा सा नमक डलेगा इसके अंदर, और ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डलेंगी। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ज़रा ये इसको ढक दूँगी, ढक के इसको टमाटरों को सॉफ्ट होने के बाद फिर बताऊँगी कि क्या होता है। मैंने कुटी हुई इसमें मिर्ची भी डाल दी है, ठीक है, कुटी हुई मिर्ची हाफ टी स्पून डाला है बस, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस चटनी को आप पुलाव के साथ, आलू की रोटियों के साथ, बेसन वाली रोटी के साथ, दाल भरी रोटी के साथ, मटर चावल के साथ, तहरी के साथ, आप इस तरह दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगेगी ये चटनी, तो ये बना सकते हैं। और आज बकरीद आ रही है, बकरीद पे तो कितना गोश्त खा खा के दिल भर जाता है। जब आप ये चटनी जो है ख़राब नहीं होगी आपकी, 15 दिन भी फ्रिज में रखी रहेगी तो ख़राब नहीं होगी ये आपकी चटनी। तो आप इस तरह से ये चटनी बना के रख लें, आधा एक किलो की, कोई मेहमान आए तब भी सर्व करें। और जो है अगर आपको नई ईद ख़त्म हो जाए, आपको है कि अब कोई ज़्यादा यूज़ की नहीं है, तो आप इसको अपने सालन में भी यूज़ कर सकती हैं, मगर ये आपकी चटनी ज़ाया नहीं होगी, बेकार नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्याज है, ऑयल है, टमाटर है, तो ये कढ़ाई में डल सकती है, किसी सालन में डल सकती है, किसी चीज़ में भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको बिरयानी में यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो ये चटनी इंतहाई मज़ेदार बनती है और खट्टी खट्टी सी। पानी मैंने आपसे कहा इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया, उसको मैं ढक दूँगी, थोड़ी स्टीम बनेगी तो ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमारे 15 मिनट हो गए और ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है, सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर हमारे, ये देखें दबाने से ही बिल्कुल गूदा अलहदा हो गया और इसका छिलका अलहदा हो गया, ठीक है, हमें इसी तरह के टमाटर चाहिए थे। और जब हम गोलाई में अगर इसको काट देंगे तो फिर हमारा इस तरह से गूदा नहीं निकलेगा और इस तरह से टमाटर का शेप नहीं होगा जिस तरह का हमें चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आसानी से गूदा बाहर आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ये तीन हरी मिर्ची डाल देंगे, ठीक है, इसी तरह डंडियों के साथ। सिर्फ मैंने इसमें एक 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 स्लेट काटी है ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल अरोमा अंदर चला जाए इसका। तो तीन ये हरी मिर्ची इसके अंदर काटी के रखी हैं और इसको 5 मिनट के लिए और दम देंगे, उसके बाद ये पूरा ऑयल इसका और बाहर आ जाएगा 5 मिनट दम में, और जो हमारी मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमें इसको 5 मिनट के लिए दम देना है। अच्छा जी, ये 5 मिनट हो गए हैं और ये देखो हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, छिलके अलहदा हो गए हैं इसके, घी अलहदा हो गया है इसका, ऑयल मतलब, ये हम ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है और हम इस ऑयल को अपने सालन में यूज़ कर सकते हैं, ये ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। बट ये देखें कि इसका छिलका और गूदा बिल्कुल अलहदा अलहदा हो गया है, और नहीं हुआ तो ज़रा सा चम्मच मारेंगे तो हम ये अलहदा अलहदा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी चटनी तैयार है, आलू के पराठे आज बन रहे हैं मेरे पास, बेसनी पराठे बन रहे हैं मेरे पास, तो उसमें जो है ये चटनी बहुत बहुत काम आएगी। और आपको मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ, जैसे गोश्त दिल भर जाता है तो मैं आलू के पराठे, बेसन के पराठे और ये सब कुछ भी दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप लोग जो है सब चीज़ों को इन्जॉय कर सकें। वैसे भी जब बारिश का मौसम आता है तो बेसनी पराठे, आम की चटनी, आम की लस्सी, मैंगो शेक, आम दाल भरी रोटी और ये सब चीज़ें चलती हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपना फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और क्योंकि के ये सारा ऑयल हमारा बाहर आ जाएगा, आ गया है इसका, और
ओके देन, आज क्या पक रहा है बैसलमा फारूक में, बस इतना ही। और ज़रूर ट्राई करके और मज़े लीजिएगा, और खाली रोटी के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं, कुछ नहीं है आपके पास तो आप खाली रोटी के साथ भी इस चटनी को इंजॉय कर सकते हैं, बड़ी मज़ेदार बड़ी टेस्टी ये टमाटर की चटनी होती है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।